उत्तर प्रदेश के आगरा में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना न्यू आगरा में दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस ने 31 कांग्रेसियों को नामजद किया है। 30 से 35 अज्ञात कांग्रेसियों को भी मुकदमे में शामिल किया गया है। न्यू आगरा थाने के उप निरीक्षक दिलवार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया था। जाम के कारण आम जनमानस को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। हाईवे पर काफी देर तक वाहनों का आवागमन थमा रहा था। शहर में धारा 144 लागू होने के बाद भी कांग्रेसियों ने हाईवे पर जाम लगाया था। इसी वजह से पुलिस ने यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष देवेंद्र चिल्लू, छात्र नेता सतीश सिकरवार, रामनाथ सिकरवार, अमित सिंह समेत 31 कांग्रेसियों को मुकदमे में नामजद किया है। पुलिस अधिकारियों ने पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस टीम प्रदर्शन में शामिल रहे अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। लोगों की पहचान होने के बाद उनके नाम मुकदमे में खोले जाएंगे। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्यवाही करेगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेसियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले में आगे क्या कानूनी कार्यवाही करेगी, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।